दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। 30 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दमदार स्टार कास्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट्स और भारी भरकम बजट वाली साहो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से फैंस को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। दूसरी तरफ प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता था कि उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट चुनी होगी। दरअसल प्रभास डायरेक्टर सुजीत रेड्डी के साथ मिलकर 2 साल से साहो पर काम कर रहे थे। हालांकि फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज हुई तो दर्शकों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। फिल्म की स्टोरी बहुत से लोगों को बोरिंग और बिना सर पैर की लगी। यहां तक कि ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने फिल्म को बर्दाश्त के बाहर बताया और इसकी जमकर आलोचना की। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर का फिल्म की कहानी पर कुछ और ही कहना है। फिल्म के प्रोड्यूसर का जवाब जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि प्रभास की फिल्म साहो ने अब तक हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में कितनी कमाई की है। डे वन फर्स्ट फ्राइडे 89 करोड़, हिंदी 24 करोड़ 40 लाख, तमिल 3 करोड़ 20 लाख, तेलुगु 60 करोड़ 40 लाख, मलयालम 1 करोड़। डे टू फर्स्ट सैटरडे 89 करोड़ 10 लाख, हिंदी 25 करोड़ 20 लाख, तमिल 2 करोड़ 20 लाख, तेलुगु 27 करोड़ 10 लाख, मलयालम 60 लाख। डे थ्री फर्स्ट संडे 56 करोड़ 78 लाख, हिंदी 29 करोड़ 48 लाख, तमिल 1 करोड़ 60 लाख, तेलुगु 25 करोड़ 30 लाख, मलयालम 40 लाख। डे फोर फर्स्ट मंडे 35 करोड़ 20 लाख, हिंदी 14 करोड़ 20 लाख, तमिल 80 लाख, तेलुगु 20 करोड़, मलयालम 20 लाख। भले ही फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हों लेकिन फिल्म के कलेक्शन को देखकर ये तो साफ हो गया है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का दबदबा बरकरार है। वहीं चलिए बताते हैं आपको कि साहो को मिल रही आलोचना पर मेकर्स का क्या कहना है। स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूवी क्रिएशंस के प्रोड्यूसर श्याम से पूछा गया कि जिस बात ने लोगों को निराश किया है वो है फिल्म की कहानी, जिसने उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। कभी कोई चोर है और कोई पुलिस है और थोड़ी देर बाद उल्टा हो रहा है। इसके जवाब में श्याम ने कहा, यही कहानी का फॉर्मेट है। दर्शकों को हक है कि वो जो कहना चाहें कह सकते हैं। साहो अलग तरह की कमर्शियल फिल्म है। श्याम ने आगे ये भी कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि साहो देखने के लिए उन्हें विचार शक्ति और सोच चाहिए होगी। ये कोई सीधी सादी फिल्म नहीं है। शायद लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें साहो देखने में इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो देखा आपने, साहो के मेकर्स ने दर्शकों की सोच पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुजीत रेड्डी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। खबरों की माने तो फिल्म को 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म में प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश और जैकी श्रॉफ भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर साहो का बिजनेस ठीक है और फिल्म शायद अपनी लागत भी निकालेगी, लेकिन दर्शकों को इससे सिर्फ निराशा मिली है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।